हेलो गाइस, नॉलेज जंक्शन लैब 1991 में आपका स्वागत है। आज हम आपको सिखाएंगे एमएस एक्सेल की फॉर्मूला टैब में स्कैन फंक्शन फॉर्मूला के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवां। सबसे पहले हम कीबोर्ड में विंडो आप प्रेस करेंगे, रन कमांड हमारा ओपन हो गया है। ओपन बॉक्स में टाइप करेंगे एक्सेल EXEL, ओके पर क्लिक करेंगे, एंटर पर क्लिक करेंगे। लिखा है ब्लैंक वाले इस ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे, हमारा एक्सेल ओपन हो गया है। तो हमने पहले से ही एक्सेल को ओपन कर रखा है, ये हमारा डेटा सेव है क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है। हमने वैल्यू यानी न्यूमेरिक वैल्यू टाइप कर रखा है, ये लिखा है लेट्स कंसीडर एंड एग्जाम्पल वेयर वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द कम्यूटिव सम ऑफ रेंज नंबर्स। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पर टाइप करेंगे फॉर्मूला स्कैन फंक्शन यानी इक्वल स्कैन, देख सकते हैं फॉर्मूला हमारा शो हो गया है। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे, ये हमारे आर्गुमेंट्स हैं। पहला है हमारा इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर हम 0 मानेंगे, कॉमा लगाएंगे, एरे एरे हमारा पूरा रेंज सिलेक्ट करेंगे A2 से A6, कॉमा लगाएंगे, फंक्शन फंक्शन हमारा लेमडा फंक्शन, देख सकते हैं फॉर्मूला हमारा शो गया। इस पर हम डबल करेंगे, पैरामीटर और कैलकुलेशन यानी कि वेरिएबल हमें निकालना है। तो वेरिएबल हम यहाँ पर ACC टाइप करेंगे, क्या टाइप करेंगे, ACC ए भी मान सकते हैं और बी। तो हमने ACC टाइप किया, कॉमा लगाएंगे, ये हो रहा है पैरामीटर कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में क्या लगाना है, वैल्यू ये जो लिखा है तो हम बी भी मान सकते हैं, ए कॉमा बी। तो हमने यहाँ पर वैल्यू टाइप करेंगे, कॉमा लगाएंगे, पैरामीटर कैलकुलेशन यानी कि जो हमने वेरिएबल दिया था ACC टाइप करेंगे, ACC देख सकते हैं फंक्शन शो हो गया है। इसको हम डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये लिखा है कम्युलेटिव सम ऑफ रेंज ऑफ नंबर्स। तो हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे और हम टाइप करेंगे वैल्यू शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज लैम्डा का आई हो रहा है स्कैन फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज। कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं 1 प्लस 1, देख सकते हैं यहां पर 1, तो 1 2 में प्लस ऐड हुआ है तो दे सकते हैं प्लस 3 यानी राइट आंसर निकला है। अब हम दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे कम्युलेटिव प्रोडक्ट, अभी हमने सम निकाला था, अब हम प्रोडक्ट निकालेंगे। फॉर्मूला टाइप करेंगे,
इस इक्वल स्कैन, इस पर हम डबल करेंगे इनिशियल वैल्यू, यहाँ पर हम वन लेंगे, अभी हमने जीरो लिया था, अब हम यहाँ पर वन टाइप करेंगे, कॉमा लगाएंगे, एरे एरे हमारा पूरा रेंज सिलेक्ट करेंगे ए टू से सिक्स, कॉमा लगाएंगे, फंक्शन यानी लेमडा फंक्शन टाइप करेंगे, लेमडा दे सकते हैं, फॉर्म हमारा सो गया, इस पर हम डबल करेंगे, अभी हो रहा है पैरामीटर कैलकुलेशन यानी कि वेरिएबल, तो वेरिएबल यहाँ पर ए बी की जगह यहाँ पर हम ए सी सी टाइप करेंगे, ए सी सी कॉमा लगाएंगे, पैरामीटर कैलकुलेशन यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर हम वैल्यू टाइप करेंगे, बी भी टाइप कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, अभी पैरामीटर और कैलकुलेशन, हमने जो वेरिएबल लिया था ए सी सी तो टाइप करेंगे ए सी सी, देख सकते हैं बस हो गया, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे, अभी बोला प्रोडक्ट, तो यहाँ पर स्टार का निशान यानी मल्टीप्लाई टाइप करेंगे वैल्यू, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज लैम्डा का, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज स्कैन फंक्शन का, कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे, दे सकते हैं हमारा आंसर निकल आया है प्रोडक्ट वन इंटू वन वन, उसमें दे सकते हैं, अगला है जंपर सी टू पर पहुंचेंगे, यहां पर हमने वैल्यू यानी न्यूमेरिक वैल्यू और टेस्ट टाइप कर रखा है, हमने क्या निकालना है, हमें एज्यूम वी हैव ए लिस्ट ऑफ वैल्यूज इन ए कॉलम ए, सम ऑफ विच आर नंबर्स एंड सम आर टेस्ट, तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पर टेस्ट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल स्कैन फंक्शन, देख सकते हैं फॉर्म हमारा शो हो गया, इसको हम डबल करेंगे, इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू हम वहाँ पर जीरो टाइप करेंगे, कॉमा लगाएंगे, एरे एरे हमारा क्या रहेगा, पूरा रेंज सिलेक्ट करेंगे ये वाला वैल्यू वाला ए टू से ए सेवन, कॉमा लगाएंगे, फंक्शन लैम्डा फंक्शन, देख सकते फॉर्म हमारा सो गया, इस पर हम डबल करेंगे, पैरामीटर कैलकुलेशन, हमें यहां पर ए और बी, तो ए बी की जगह हम क्या मानेंगे, यहां पर ए सी सी टाइप करेंगे, वेरिएबल ए सी सी कॉमा लगाएंगे, पैरामीटर कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में क्या लगाना है, वैल्यू टाइप करेंगे, वैल्यू देख सकते हैं सो हो गया है, तो हम कॉमा लगाएंगे, आई हो रहा है पैरामीटर कैलकुलेशन यानी वेरिएबल, तो वेरिएबल हमें क्या लेना है, यहाँ पर इफ कंडीशन यदि, तो देख सकते हैं फॉर्म हमारा सो हो गया, इस पर हम डबल करेंगे, लॉजिकल टेस्ट, लॉजिकल टेस्ट यहां पर हम क्या लेंगे, इज नंबर दे सकते हैं, फॉर्मूला हमारा सो गया, इस पर हम ट्विक करेंगे, वैल्यू तो वैल्यू हम क्या लेंगे, यहां पर हमने जो वैल्यू टाइप कर रखा है, तो यहां पर हम टाइप करेंगे वैल्यू,
शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज, कॉमा लगाएंगे, वैल्यू ट्रू, यहाँ पर पास करेंगे एसीसी, यानी कि हमने जो वेरिएबल लिया था एसीसी, इससे यहाँ पर टाइप करेंगे एसीसी, दे सकते हैं, इस पर हम डबल करेंगे। अब हम प्लस यहां पर टाइप करेंगे वैल्यू, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। कॉमा लगाएंगे, वैल्यू फॉल्स, यहां पर हम टाइप करेंगे एसीसी, दे सकते हैं, सो हो गया। इस पर हम डबल करेंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज, लैम्डा का ब्रैकेट क्लोज, स्कैन फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज, कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे, दे सकते हैं हमारा आंसर निकल आया है। इसमें 10 × 1 तो 10, जो ये टेस्ट है हमारा, इसे भी ऐड नहीं हुआ है, तो 10 10 20 + 10 30, 30 + 5 35, इसको इसने ऐड नहीं किया है, 35, 35 + 15, दे सकते हैं आंसर हमारा राइट निकला है। अब हम कम्यूलेटिव काउंट ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू निकालेंगे, तो टाइप करेंगे इक्वल स्कैन फंक्शन, दे सकते हैं फॉर्मूला हमारा सो गया। इसको हम डिलीट करेंगे, इनिशियल वैल्यू यहाँ पर 0 टाइप करेंगे, कॉमा लगाएंगे, एरे यानी पूरा रेंज सेलेक्ट करेंगे A2 से A7, कॉमा लगाएंगे, फंक्शन लैम्डा फंक्शन, दे सकते हैं हमारा फॉर्मूला सो गया। इस पर हम डबल करेंगे। अभी रहा पैरामीटर कैलकुलेशन, यानी कि वेरिएबल, तो टाइप करेंगे यहाँ पर ACC, कॉमा लगाएंगे, पैरामीटर कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में क्या लगाना है, वैल्यू, तो टाइप करेंगे यहां पर वैल्यू, कॉमा लगाएंगे, पैरामीटर कैलकुलेशन, कंडीशन, इफ कंडीशन का प्रयोग करेंगे यहां पर, यदि, देख सकते फॉर्मूला मास हो गया। इस पर इंटरव्यू करेंगे, लॉजिकल टेस्ट इज नंबर, देख सकते फॉर्मूला मास हो गया। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे, वैल्यू वैल्यू हमने ये लिया है, तो वैल्यू टाइप करेंगे यहां पर, इस पर हम डबल करेंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज, कॉमा लगाएंगे, वैल्यू ट्रू, यहां पर टाइप करेंगे ACC, हमने जो वेरिएबल लिया था ACC, तो दे सकते हैं सो हो गया। इसको हम डबल करेंगे। अब हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 1 कॉमा लगाएंगे, वैल्यू फॉल्स, तो हम यहां पर टाइप करेंगे ACC, दे सकते हैं सो हो गया। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज, लैम्डा का शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज, स्कैन फंक्शन का कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे, तो दे सकते हैं
कम्युलेटिव काउंट ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू निकल आया है, राइट आंसर। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।